RBI का नया निर्देश, हर बैंक के लिए नियम बदल गए हैं। जी हां, लॉकर एग्रीमेंट नवीनीकरण पर बड़ा अपडेट सामने आया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डेडलाइन आगे बढ़ा दी है और बैंकों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। 1 जनवरी से फ्रीज लॉकर्स को लेकर भी केंद्रीय बैंक ने आदेश जारी किए हैं और केंद्रीय बैंक ने एक विज्ञापन में कहा है कि समय सीमा को इस साल 31 दिसंबर तक चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा। इसके तहत 30 जून 2023 तक 50%, 30 सितंबर और 2023 तक 75% प्रोसेस पूरा किया जाएगा। RBI ने बैंकों को कहा है कि वो स्टैम्प पेपर आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करके एग्रीमेंट नवीनीकरण के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए जरूरी व्यवस्था करें। फ्रीज लॉकर्स को चालू करने के निर्देश भी दे दिए हैं। एग्रीमेंट का रिन्यूअल ना करने की वजह से कई लॉकर्स को फ्रीज कर दिया गया था और साथ ही RBI के संशोधित नियमों के मुताबिक बैंकों को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा कराए गए लॉकर एग्रीमेंट में कोई अनुचित शर्त तो शामिल नहीं है जिससे ग्राहक को नुकसान होने पर बैंक आसानी से किनारा कर सके। RBI ने बैंक ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए नियम में ये चेंज किए हैं। कई बार देखने को मिलता है कि बैंक एग्रीमेंट के शर्तों का हवाला देते हुए जिम्मेदारियों से किनारा हो जाते हैं और ग्राहकों को दिक्कत होती है, तो ये ग्राहकों के लिए बहुत अच्छी खबर है।